सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। राउस एवन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई केस च दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक वधा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने तो बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अदालत च पेश किया गया। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की प्रधानगी हेठ होने वाली नीति आयोग की मीटिंग चार राज्यों वालों शामिल होने से इनकार करने तो बाद पंजाब ने भी इस मीटिंग तो किनारा कर दिया। कांग्रेस के शासन वाले 3 राज कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश पहला ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने तो इनकार कर चुके हैं। इस अलावा डीएमके शासित तमिलनाडु भी इस मीटिंग शामिल नहीं होगा। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने नीति आयोग की मीटिंग शामिल न होने का फैसला किया। शाही शहर पटियाला च डायरिया का कहर लगातार जारी, लंघे कल 5 दर्जन केस आने तो बाद फिर 35 के मरीज नवे आए ने, जिस नाल जिथे सेहत विभाग चो कन्ना हो उथे नगर निगम ने पटियाला दे वख खुन्नी के करीब एरिया च एमरजेंसी ऐलान दी है। कमिश्नर आदित्य देशरवाल वालों जारी हुक्मां तहत कई इलाकों च एमरजेंसी ऐलानी गई है। उक्त एरिया च हर काम 24 घंटे अंदर कराउण दे हुक्म दिते गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली च कुदरत के कहर कारण हाहाकार मच गए। दरअसल बदल फटन कारण मनाली छाड़ आ गया, जिस कारण कई घर तबाह हो गए ने। हड़ कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पै रहा। अंजनी महादेव नदी के आखिरी नाले छाड़ आ गया। सब तो पहला तेज मीह पिया, जिस कारण हड़ वाली स्थिति बन गई। हड़ कारण पलचान च कई घर बह गए। बदल फटन कारण पुल से पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पुजा। पलचान से सोलन नेड़े तबाही मची है। हड़ आने कारण मनाली ले मार्ग बंद होया। फिलहाल मनाली प्रशासन वालों राहत काम जारी ने। मनाली तो लेह लद्दाख जाने वाला रस्ता बंद हो गया। हर पासे मलबा ही मलबा इकट्ठा हो गया। वड्डी गिनती सैलानियों का जाम भी इत्थे लग्या होया। भारतीय जल सेना ने एक बार फिर अपनी हिम्मत इंसानियत का प्रदर्शन किया। मुंबई तो 200 नॉटिकल मील दूर चीनी जहाज का एक मलाह जख्मी हो गया। भारतीय जल सेना को चौंग शान मेन नाम के जहाज तो मदद की बेनती मिली। जल सेना ने तुरंत उसकी मदद की। भारतीय जल सेना के हैलीकॉप्टर ने समुद्री बचाव कोआर्डिनेशन सेंटर के निर्देशों से मलाह को सुरक्षित पहुंचाया। जल सेना ने कहा कि समुद्री बचाव तालमेल केंद्र मुंबई को मुंबई तो 200 समुद्री मील दूर कारगो जहाज चौंग शान मेन तो दुखदाय संदेश मिलिया। चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद मरीज को जहाज के पुल विंग तो सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया गया। गरीबां लुटन वाले अयोग लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए ने। इन चो कुछ ने अपने कार्ड समर्पित किए ने। जिले च योग परिवारों के 3,34,000 लाभपात्रियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए ने। हुण कार्ड रद्द होने तो बाद इन लाभपात्रियों मुफ्त इलाज का लाभ मिलने शक पैदा हो गया। उम्मीद है कि हुण अयोग लोगों के आयुष्मान कार्ड भी रद्द हो जाएंगे, क्योंकि हस्पतालों गोल्डन कार्ड धारकों आयुष्मान योजना तहत इलाज शुरू करने तो पहला राशन कार्ड नंबर न तस्दीक किया जाए। लोकसभा च विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में 26 जुलाई को सुल्तानपुर की सांसद विधायक अदालत हाजिर होंगे। कांग्रेस के जिला इकाई के प्रधान अभिषेक सिंह राणा ने दसिया कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सवेरे 9 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह कौमांतरी हवाई अड्डे से उतरणगे। उतों कार राही सुल्तानपुर लिए रवाना होंगे तो अदालत में पेश होंगे। दस दिए कि भाजपा के स्थानक नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 2018 च बेंगलुरु तत्कालीन भाजपा प्रधान और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह खिलाफ इतराज योग टिप्पणी करने का दोष लगाते हुए मानहानि का केस दायर किया। जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के भारतीय रणनीति च एक बड़ा नाम है। बॉलीवुड च लंबे करियर तो बाद वो पहली बार 2004 च समाजवादी पार्टी द्वारा संसद मैंबर चुने गए सी। दिग्गज अदाकारा अपने स्पष्ट शब्दों लिए जानी जाती है। वो किसी भी मुद्दे से अपने विचार प्रकट करन च कदे भी पिछे नहीं हटती तो बेबाकी नाल बोलदी। हाल ही जया ने केंद्रीय बजट 2024 से प्रतिक्रिया दी है तो यह कहा कि असल च यह सनसनीखेज है। 24 जुलाई को बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद ही जया बच्चन ने इससे प्रतिक्रिया दी। अदाकारा ने कहा कि वह केंद्रीय बजट 2024 बारे कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि यह चर्चा करने योग नहीं है। पंजाब का सब तो महंगा टोल प्लाजा पिछले 40 दिनों तो बंद है। सारे वाहन बिना टैक्स तो मुफ्त जा रहे हैं। हुण तक 40 करोड़ लोग टैक्सों तो बचे ने। किसानों से NHAI वालों टोल खोलने लिए पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। हुण टोल प्लाजा से स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बन वाली। दस दिए कि NHAI वालों दायर की पटीशन से पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट वालों सुनवाई की गई, जिस हाईकोर्ट ने लाडोवाल टोल प्लाजा को खोलन के हुक्म दे दिए ने, जिस तो बाद किसान जथेबंदियां सरगर्म हो गई ने। जी हाँ, धरने से बैठे किसानों ने लाडोवाल टोल प्लाजा से वड्डा इकट्ठ करने का ऐलान किया। जंगे आजादी यादगार मामले च पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट तो पंजाब सरकार नूं वड्डा झटका लग्या। इस मामले च विजिलेंस वालों मुलजम वजो गिरफ्तार किए गए 15 व्यक्तियों अज हाईकोर्ट ने जमानत दी। हाईकोर्ट ने इस मामले च 15 मुलजमान नूं नियमित जमानत दी। हाईकोर्ट ने उन्हां नूं रैगूलर जमानत दे दी है। इस मामले में 22 मई में FIR दर्ज करके इन्हां सारयां नूं गिरफ्तार किया गया सी। हालांकि हाईकोर्ट ने इन्हां नूं पहला ही अंतरिम जमानत दी सी, पर अज हाईकोर्ट ने इन्हां सारयां दी जमानत पटिशनां ते फैसलां सुनाउंदिआं इन्हां दी जमानत की पुष्टि कर दी है। इस तरह इन्हां सारयां नूं अज हाईकोर्ट तों राहत मिली है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर नीता अंबानी ते अपना भरोसा जताया। नीता अंबानी नू सर्वसम्मति नाल आईओसी दी मेंबर वजो चुन लिया गया। कुल 93 वोटरां ने अपनी वोट पाई ते सारियां 93 वोटां नीता अंबानी दे हक विच वी है। भाव 100% नीता अंबानी नू 2014 च रियो डी जनेरियो ओलंपिक खेडां विच पहली बार आईओसी मैंबर वजो चुनिया गया सी। रिलायंस फाउंडेशन दी संस्थापक ते चेयरपर्सन। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।